नमस्कार, मैं हूं सबा खान। आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं अमेठी में हूं। अमेठी का जायज़ा लेने के लिए आ गई हूं। क्या माहौल है अमेठी में? अमेठी की जनता के मन में क्या है? क्यों चाचा, कैसे हैं आप? कहाँ पर रहे, कैसे? आपका हाल जान रही हूं मैं। ना आया, हम कहाँ पर रहे ना। हाँ। अब इसे पूछे क्यों भाई साहब? क्या बताएं, क्या चल रहा है अमेठी में? अमेठी में सब सही चल रहा है, क्या बताएं। हाँ, क्या मन में है अमेठी के? अमेठी में आपकी कांग्रेस निकल रही है। और क्या कांग्रेस? और क्या, तो स्मृति दीदी का क्या होगा? स्मृति दीदी का आपके चवत्ता साहब है। हाँ, एक ही बार मौका दिया आप लोगों ने, 5 साल। नहीं, नहीं तो क्या करे, 13 रुपए की चीनी दे रही थी, अभी नहीं मिली। गैस 400 रुपए की थी, अब इस टाइम 1000 की है। और क्या, तो पसंद नहीं है अमेठी में स्मृति जी का काम। नहीं तो क्या करें। क्यों भाई साहब, क्या लग रहा है? पंजाब ही देंगे, पंजाब ही देंगे। हाँ। हाँ। तो पिछली बार क्या सोच के दिया था भाजपा को? अरे दिया था काम करने के लिए, काम किया। हाँ। भाई साहब से पूछिए, बताएंगे पूरी। तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे कि मैंने क्या पूछ लिया है। ठीक है, आप वोट करते हैं तो बात करने का भी आपको चाहिए ना, अच्छे से बात करें। तो कर रहे हैं हम लोग, आपकी पंजे पे देंगे। पंजे पे देंगे, इरादा मजबूत है। इरादा मजबूत है, तो एक तरफा चुनाव हो गया है क्या ये? इतनी नाराजगी है अमेठी में? ठीक है, तो कह रही कि आएंगे, कह रहे राहुल गांधी निकल गए हैं डर से। राहुल गांधी कहाँ निकल गए हैं डर से? की वजह से भाग गए यहाँ से, अमेठी में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये तो सियासी वो है, इसमें हम लोग क्या जाने कि यहाँ कौन क्यों लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है। ये सब हम नहीं जानते। जनता के मन में क्या है? जनता तो देखो, जनता जब जाती है बटन दबाने तब उसके मन में क्या रहता है वो जनता जाने। ठीक है, अभी जनता क्या बताएगी कि हमारे मन में क्या है क्या नहीं है? जनता बता देती है, क्योंकि अमेठी की जनता ना पहले से ही बता देती है कि हम किस तरफ हैं, डरती तो नहीं अमेठी। जब मशीन के सामने जाती है जनता तब पता चलता है ना कि हाँ किसको देना है किसको नहीं देना है। वो कोई कितना भी मन बनाए रहे लेकिन मायन मौके पर क्या दब जाए कोई पता थोड़ी ना है। क्या दब जाए और क्या, ये थोड़ी ना है कि हाँ मतलब पंजा ही दबे या बसपा को वोट दें या मतलब सिर्फ बीजेपी को ही वोट दें। हाँ, तो 5 साल में क्या कुछ किया है यहाँ पे? हमारे तरफ तो हमारे समझ में नहीं आया कि हाँ मतलब अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया है। को हमारे तरफ कुछ नहीं हुआ है, इसके लिए हम कहती चली 5 साल आपने दिया उसमें तो हमने सिर्फ प्लानिंग की है, 5 साल और देंगे तो काम होगा। हम लोग के तरफ कुछ नहीं दिए हैं। हाँ, यहाँ हमारे मौजा में या जामू ब्लॉक उधर लोग पाने वाले पाए हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला है, लेकिन जिधर भी मिला है नहीं मिला। ठीक है, हमारे तरफ कोई भी ना, जो बड़ा मतलब कि जो बड़े लोग हैं वो लोग अपना बीच में ही खा के बैठ जाते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा। क्यों चाचा, क्या कह रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं, इधर तो कुछ किया नहीं है। हाँ, अमेठी में कुछ नहीं किया। आप अमेठी की हम बात क्यों करें, हम अपनी एरिया की बात करेंगे। पूरे अमेठी की सांसद है ना, अमेठी के सांसद, तो उधर अमेठी में अपना जो किया होगा भाई। हम तो अपनी जगह के जानते हैं, हमें जामू बुला की जानते हैं, गौरा ग्राम सभा की जानते हैं इसकी। यहाँ पर कुछ नहीं विकास आया, कौन सा विकास है यहाँ अभी तक? तो ये इतना गड्ढे थे यहाँ से लेकर के वारिसगंज तक चलना मुश्किल था लोगों को यहाँ तक। बंद तो गई रोड तो बन ही गई। बनी है ये अभी बनी है, समझ लो 3-4 महीने हुए हैं। 3-4 महीने हुए तो प्रचार जब से शुरू हुआ। हाँ, मतलब उससे पहले ही बन गई थी, काम लगा था। और तो दे क्यों चाचा, वोट कर हम नहीं बोलेंगे, हम तो नहीं बोलेंगे। स्मृति जो ने है 5 साल में जितना वादा किया एको वादा नहीं करे पूर करे हैं। वादा क्या क्या किया था उन्होंने? चीनी गए रहे 13 रुपए हम देम दही, क्यों गरीब बतावे। हाँ, गैस कह रही जब अपना वो रही विपक्षमा तो मुड़े दे कह रही 400 रुपया भाई का महंगाई है, अब आज 1150-1150 का है सिलेंडर, कहे कि नहीं कहीं का। और स्कूल के बोल रहा था नान नान बच्चे बर्बाद हैं, नर्सरी में पढ़ाए, अब प्राइवेट में तो पढ़वा सके सभी, कम से कम सरकारी स्कूल खुला है वही में तो सही सही मास्टर रहे, स्कूल अस्पताल खोलवा दिए हर मौजा में, कम से कम 4 अस्पताल तो जरूरी है, कुछ नहीं हुआ। आप पहली बार मिले हैं जो कह रहे हैं कि स्कूल खुलवा दे, लोग कहते मंदिर बनवा दे, आप कहते स्कूल खुलवा दे। तो सब दुनिया में है, कम से कम नान नान बच्चन के बारे में, भविष्य के बारे में सोचे ना,
कहीं एक अस्पताल नहीं खुला। स्कूल की मांग कर रहे हैं लोग, यहाँ मंदिर की मांग कर रहे हैं। मंदिर तो रहन पहले और रहन अबो है, मंदिर के नाम खाली चूतिया बना हुआ है। मंदिर तो पहले मंदिर जाओ तो वहाँ पे 10-20 हज़ार खर्चा होता है, वहाँ कुछ मिलता है कि आशीर्वाद नहीं मिलता है? आप बैठे उनसे लेना, मंदिर में जाके कौन सा आशीर्वाद मिलता है? वहाँ पे तो वैसे भी पंडित लोग खा के खत्म कर देते हैं जो हमारे पास रहता है, वहाँ क्या करेंगे जाके? मंदिर नहीं चाहिए लोग। 15 साल हो गया, 15 साल में एक अस्पताल नहीं खुला, न कहीं एक स्कूल। वही स्कूल है, बच्चे चाटू इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं। 10 साल हुआ। और जिसके पास पैसा है वो नर्सरी में लिखवाए, और नर्सरी में सबके पास पैसा थोड़ी है। महिला अस्पताल है एक, वहाँ देख लीजिए, जा आगे जाइए, प्राइमरी स्कूल है, उसमें सब जानवर मिलेंगे आपको। भैया हनुमानगढ़ी का रोड है, VIP अमेठी क्षेत्र कहा जाता है इसको, और जाके इतनी बड़ी मंदिर है, कम से कम मंदिर मंदिर करते हैं BJP वाले, उस मंदिर का रास्ता बनवा दे कम से कम। रास्ते में जाके गिर के फाड़ पड़ो, गोड़ हाथ सब टूट जाएगा। मेन चीज हमारे गांव की, पहले गांव के विकास की बात करेंगे हम, जहां हम रह रहे हैं। इस गांव में गौरा ग्राम सभा है, जामू ब्लॉक है, और अमेठी 4 बच्चे पढ़ते हैं, और टोटल जानवर भैंस गोरू रहते हैं। और वही के इधर थोड़ा चलिए, महिला अस्पताल है, और महिला अस्पताल है, महिला अस्पताल में चल के भी दिखा दें, कोई रहता है एक एनम कोई, और वही लेडीज कोई हो बीमार हो जाए तो यहाँ से बेचल जगदीशपुर भागना पड़ेगा। धर्म पे नाम राजनीति नहीं करना चाहिए, विकास के नाम पे करना चाहिए। हम मुस्लिम हैं, मुस्लिम हैं, हम BJP को वोट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? विकास करिए, हमें वो नेता, किसी जात धर्म से मतलब नहीं है, हमें वो नेता चाहिए जो हमारे विकास के बारे में सोचे। ये भी तो कहते हैं कि मुस्लिम हिंदू में भाजपा भेदभाव नहीं करती है, राशन सबको मिल रहा है, सड़कें बन रहे, तो सब राशन क्या है? राशन से लोग आवाज हो रहे हैं, राशन के नाम पर इतनी तेज आवाज हो गई आप लोगों। राशन से क्या हो रहा बताओ, क्या क्या हो रहा राशन से? 5 किलो राशन से कुछ नहीं हुआ, जानवर चलते हैं उससे ज्यादा 5 किलो तो नुकसान कर देते हैं। 5 महीने किलो आदमी खाएगा? 5 किलो बताइए कि मतलब कहते हैं कि सब जगह गौशाला बने हैं, तो इतने जानवर यहाँ क्यों टहल रहे हैं? तो अभी कह रहे थे वोट तो भाजपा को ही जाएगा। कौन सा वोट की बात छोड़ो ना, वोट तो जहाँ जाना, विकास भी नहीं किया है, कह रहे हैं विकास नहीं हुआ हमारे मौजा में, वोट भाजपा को जाएगा, वोट जाएगा तो जाएगा, जाएगा तो जाएगा। ठीक है, दो तरफा बात नहीं, दो तरफा कोई बात नहीं। हाँ वाह बहन, बहन 50 मीडिया के सामने ये नाटक होता है कि दिल से होता है? नहीं दिल से होता है, मीडिया के सामने। यार बिगा और चार का 50 गोरु हाँ क्या ही था? हाँ ड्यूटी पे लगा दिया है सरकार, किसको लगा दिया है? अपने रखा ही था, 5 किलो राशन दिया था, यारी तू बिगा किया चरुआ होता है? अभी तो ड्यूटी हुई, 5 रोजगार हुआ, 4 बिगा किया चरुआ होता है, बताओ कहाँ से आए? 15 हज़ार रुपया मैंने लगा हुआ था खेते में। अच्छा क्या बोल गए? भाई 2000 दिया था तो 10 हज़ार का नुकसान करा होता है। हाँ किसान को 2000 दे रहे हैं तो 10 हज़ार का नुकसान भी हो रहा है। साल कुछ लोग बोलेंगे इनको मेहनत करने के लिए ना बोलो, ऐसे ही भाजपा पैसा दे, भाजपा सम्मान निधि दे, भाजपा राशन दे, तब इनका गुजारा। नहीं चाहिए, नहीं राशन नहीं चाहिए हमको, केवल सुविधा चाहिए बस, केवल महत्व नहीं है। हाँ और जो कहते हैं कि हिंदुओं को खतरा है मुसलमानों से, नहीं आपकी भैंस खोल ले जाएंगे विपक्ष के लोग, फिर कैसे खोल ले जाएंगे विपक्ष के भैंस? हाँ फिर आपके घर में कितनी भैंस है? हमारे यहाँ 2 गाय है, गाय है, गाय सुरक्षित है, सुरक्षित है। मुसलमान डाका तो निकाल रहे? कोई डाका नहीं, कोई मतलब नहीं, हिंदू डाका को निकाल। हाँ मुसलमान और हिंदू में एकता है, यहाँ कुछ नहीं है, पीपल से जगह ना बताओ, खोल ले जाए हम उनका, खोल ले जाए हिंदू मुसलमान, लेकिन BJP को वोट हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करेंगे, इतनी नाराजगी किस लिए? 14 से हम लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं। चोरी कोई भी कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। क्या ये मुद्दा होना चाहिए युवा के तौर पर? आप बताइए कि प्रधानमंत्री अगर ये बोलते हैं कि आपके घर में अगर 2 भैंस है तो विपक्ष खोल कर ले जाएगा, मुसलमान को दे देगा, तो ये भाषा होनी चाहिए? नहीं नहीं होनी चाहिए, हम तो भाई कांग्रेस के सपोर्टर। आप लोग खुश होते हैं सुनकर, क्या सोचते हैं इस तरह के भाषण? भाई हिंदू तो दिल से तकलीफ होती है, तकलीफ होती है, क्योंकि हम यहाँ हिंदू प्रोग्राम हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई चंदा लेने आता है पूरे गाँव के मनीष पहुँच लियो जितने लोग हैं सबको चंदा बराबर देते हैं। ये तो सिर्फ BJP वाले करते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, 6 चीज भी तो उनको इसी बात से मिलता है। तो जो कुछ भाई हमारे समझदार नहीं है वही अपना इधर उधर करते हैं, बाकी हमेशा शिक्षा रोजगार पे बात करना चाहिए, जात धर्म से दूर सब कांग्रेस का करे। वैसे एक साथ
अमेठी कैसे बदल गया ये समझ में नहीं आ रहा है। जाएगी कांग्रेस सबकी यहाँ से, कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस जाएगी, कांग्रेस जीतेगी यहाँ से, जीतेगी कांग्रेस। भाजपा से कोनो फायदा नहीं ना, दस बीस साल उर्दू चल रही तब इन काल के जिम्मेदार है, बचा नहीं पा रहे आप, तो आप जिम्मेदार है उसके लिए। रात भर हम रखाई सुबेरे मेहराऊ रखा हुआ, दोपहरिया बेटवा जाए के करे, कोनो फायदा नहीं ना यहाँ से।